कश्मीर फाइल्स तो हिट भी हुई, लोगों ने देखी भी। उनके प्रोड्यूसर मेड 400 करोड़। ओके, तो उन्होंने कितने पैसे दिए? जो हिंदू कश्मीरी है जम्मू में रहते हैं, जिनके पास पानी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनको उन्होंने कितने पैसे दिए? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। कश्मीरी पंडितों के दर्द को उजागर करने के नाम पर बनाई गई कश्मीर फाइल्स फिल्म, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब प्रमोट किया था। मोदी जी ने बीजेपी नेताओं से अपील की थी कि फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इसके बाद इस फिल्म को प्रमोटर्स से ज्यादा प्रमोट खुद बीजेपी के नेताओं ने किया था। बीजेपी शासित राज्यों में न सिर्फ मुख्यमंत्रियों ने इस फिल्म की अलग से स्क्रीनिंग रखवाई थी, बल्कि इस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया गया था। उस समय साफ साफ कहा गया था कि फिल्म बीजेपी के नफरतवादी एजेंडे में फिट बैठती है, इसलिए बीजेपी और अंधभक्त इसको प्रमोट कर रहे हैं। अब इसी एजेंडा फिल्म को लेकर के जानी मानी फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, वो भी गुल्लू यानी कि अमीश देवगन के सामने। गुल्लू ऐसा एंकर बन चुका है जिसको जो आता है बजा करके चला जाता है। दरअसल आशा पारेख मुकेश अंबानी के चैनल न्यूज 18 पर एक प्रोग्राम में शामिल होने पहुंची थी। एंकरिंग कर रहा था अपना गुल्लू यानी कि गोदी मीडिया का बड़ा एंकर अमीश देवगन। उसने अपने एजेंडा के तहत महज 2 फिल्मों के नाम लिए, कश्मीर फाइल्स, केरल स्टोरी। इन दोनों फिल्मों का नाम लेते हुए आशा पारेख से पूछा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। उन्होंने इनकार किया कि मैंने देखी ही नहीं है, तो बोला ऐसी फिल्में बननी चाहिए नहीं। उसने सोचा था कि आशा पारेख उसके मन मुताबिक उत्तर देंगी, लेकिन आशा पारेख ने जनता की तरफ से क्या, कश्मीरी पंडित भी जो सवाल पूछ रहे हैं वही सवाल गुल्लू से पूछ लिया कि इस फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने 400 करोड़ रुपए कमाए होंगे, इनमें से कितने रुपए उसने उन कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द तकलीफ में खर्च किए जिनके नाम पर 400 करोड़ रुपए कमा लिए थे। केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल्स, उसको लेकर बहुत सारे सवाल करे गए, बहुत सारी बातें हुई, कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई, आप कुछ कहना चाहती हैं उस पर? मैंने पिक्चरें देखी नहीं तो मैं कैसे मतलब कंट्रोवर्सी के लिए बात करूं। कश्मीर फाइल्स तो हिट भी हुई, लोगों ने देखी भी। जी देखी, और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मैं स्टेटमेंट करना चाहती हूं कि उनके प्रोड्यूसर मेड 400 करोड़। ओके, तो उन्होंने कितने पैसे दिए? जो हिंदू कश्मीरी है जम्मू में रहते हैं, जिनके पास पानी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनको उन्होंने कितने पैसे दिए? अब भद्द पिटती देख गुल्लू, माफ करिएगा, अमीश देवगन खुद प्रवक्ता बन गया। बोला विवेक अग्निहोत्री से मैंने यही सवाल पूछा था, उन्होंने कहा पूरा पैसा हम थोड़ी रख लेते हैं। इसका जवाब भी आशा पारेख ने बखूबी दिया। कुछ दिन पहले मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था जी, तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने बोला कि तो सारे पैसे क्या मैंने ही कमा लिए? तो उनका शेयर नहीं है, चलिए 400 में से 200 करोड़ बनाए, तो 200 में से कितने दिए? 50 करोड़ भी तो दे सकते थे ना। मोदी भक्ति के लिए मशहूर हो चुके अनुपम खेर भले ही खुद को कश्मीरी पंडित बता करके सहानुभूति बटोर करके माल पीटना चाहते हो, मगर उस दौरान भी कश्मीरी पंडितों ने सवाल उठाया था कि सरकार ने फिल्म को सपोर्ट किया, फिल्म ने कहा दर्द दिखाया, तो अब हमारे दुख दर्द तकलीफ दूर कौन कर रहा है? मौजूदा केंद्र सरकार मोदी जी की है, जब उनको फिल्म पसंद आई और कश्मीरी पंडितों का दर्द भी समझ में आया, तो उस दर्द को दूर करने के लिए क्या कदम उठाया? ये सवाल मोदी सरकार से भी बनता था और एजेंडा सेटर विवेक अग्निहोत्री से तो बनता ही था, जिसने दर्द दिखा करके 400 करोड़ का माल पीट लिया। अब वो कहता है कि पूरा माल उसके पास नहीं है, लेकिन आशा पारेख ने कहा आधा हिस्सा भी तो मिला होगा, उसमें से कुछ ही खर्च कर देते। ये पूरा मामला भावना और सहानुभूति के नाम पर धंधा बटोरने का था। इसका एक उदाहरण देखिए, जब विवेक अग्निहोत्री ने देखा कि धंधा ठीक से चल गया,
तो उसने इसी नाम पर एक वेब सीरीज की भी घोषणा कर दी जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड। जल्दी ही ये वेब सीरीज तकरीबन 7 पार्टों में जनता के बीच में होगी। उस समय विवेक अग्निहोत्री ने कहा था कि उसने कश्मीरी पंडितों का पूरा दर्द दिखा दिया। अब चूंकि इस धंधे को चलवाना है तो कह रहा है कि कश्मीर फाइल्स में 10% हिस्सा दिखाया गया था, 90% रिसर्च का हिस्सा इस वेब सीरीज में दिखाया जाएगा। कश्मीरी नागरिकों के दर्द को भुना करके जो मोटा माल विवेक अग्निहोत्री ने कमाया था उसका कुतर्क देखिए। कह रहा है पूरा पैसा खर्च हो गया और कहां, चैरिटी में नहीं, कश्मीरी नागरिकों के उत्थान में नहीं, बल्कि पूरा माल अगली फिल्म वैक्सीन वार में खर्च हो गया है। इसको खर्च नहीं कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यहां पर पैसा इन्वेस्ट करके फिर से मोटा माल कमाओगे। पैसा लगाया है धंधे के लिए, चैरिटी के लिए नहीं, इसलिए लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। अभी तो सामान्य प्लेटफॉर्म से ही ये आवाज उठती थी, मगर आशा पारेख ने गुल्लू के सामने ये सवाल उठा करके न सिर्फ विवेक अग्निहोत्री बल्कि मोदी सरकार के एजेंडे को भी एक्सपोज कर दिया है। देखते रहे नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।